दोस्तों पुलिस के साथ पंगा लेना, उसके साथ वाद विवाद करना, उसके वर्दी के ऊपर हाथ डालना आपको कितना भारी पड़ सकता है, इसी के आज जिक्र करेंगे कि क्या धाराएं लगती है, कितनी सज़ा होती है। आपको भी ये कृत्य कभी भी दिमाग में नहीं लेके आना है कि खाकी वर्दी पर आप कभी हाथ डालें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की बहुत चर्चित जगह सादुलपुर की। सादुलपुर में एक पंचायत है गुलपुरा। गुलपुरा के अंदर पिछले कुछ दिन पहले एक घटना होती है। सरपंच अपने कार्य को करने के लिए गांव के बीच जाता है, खुरा निर्माण के लिए, जो ईंटों की सड़क बनती है उसके लिए। लेकिन गांव में क्या है कि सड़कों के ऊपर भी अतिक्रमण है। कुछ जगहों पर जैसे सड़क के ऊपर अपना चौक बना लिया, बाड़ बटोड़े कर लिए, इस तरह के अतिक्रमण आपको गांव के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों सरपंच के साथ विवाद करने से सरपंच इस बात की शिकायत कर देता है पुलिस के अंदर। पुलिस और आला महकमा गुलपुरा के अंदर पहुंचता है और गुलपुरा जाकर विवादित स्थल पर उस अतिक्रमण को हटाने में लग जाता है। लेकिन उस परिवार के साथ कुछ और परिवार मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। विरोध करने पर पुलिस उससे समझाइश करती है कि आप ऐसा ना करें, ये ज़मीन, ये भूमि गवर्नमेंट की है, सरकारी है, इस पर निर्माण है, वो ज़रूरी है। लेकिन महिलाएं और बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच एक शख्स उसी घर का जिसने अतिक्रमण कर रखा था, वो पहुंचता है एक कांस्टेबल के पास और उसकी वर्दी पकड़कर खींचने लगता है और फाड़ देता है। दोस्तों आपको ये आम सी बात लगती होगी कि एक खाकी ये कपड़ा है, इसे पकड़ा और फाड़ दिया, जैसे आम लड़ाइयाँ होती है उसी तरीके से। लेकिन ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कानून के अंदर, संविधान के अंदर पुलिस के लिए भी एक अलग नियम है, पुलिस के लिए भी एक सेफ्टी है। धारा 332 और 353 के तहत आईपीसी की धारा है, इसके तहत मुकदमा दर्ज होता है और उस शख्स पर कार्रवाई होती है, 2 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड बोलते हैं। यदि अर्थदंड वो नहीं देता है तो 1 साल का अतिरिक्त धारा 353 के तहत उसको 1 साल का कारावास और होता है। और देखिए 2 साल का कारावास ऐसे नहीं होता कि आपको पकड़ा और जेल में डाल दिया, ये कठोर कारावास होता है। इसमें आपको हर चौथे पांचवें दिन जेल के अंदर दंड दिया जाता है, यूं समझिए एक तरह की रिमांड होती है। पुलिस की वर्दी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं और अलग अलग स्टेप्स में आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उसमें अलग अलग धाराएं आईपीसी की लगती हैं। आप पुलिस की टोपी पर हाथ नहीं लगा सकते, बिना किसी कारणवश वर्दी पर हाथ नहीं लगा सकते, मारपीट नहीं कर सकते। सरकारी महकमे में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं, उन पर आप किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो टीचर हो, बैंक कर्मी हो, पुलिस वाला हो, फौजी हो, चाहे कोई और। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होता है, गुस्से गुस्से में आपको लगता है कि गांव वाले हमारे साथ हैं और हम पुलिस वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें नेतागिरी भी काम नहीं आने वाली। आपके मन में ऐसा हो कि हमारे साथ तो फलाना नेता है, उसका हाथ है, वो छुटा लेगा, लेकिन आईपीसी की धारा रजिस्टर्ड होने के बाद कोई नेता आपको 2 साल तक नहीं छुटा पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस महकमे पर, पुलिस हमारी सेवा के लिए है, उसका केयर करना, उसकी ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और जो कार्रवाई पुलिस करती है वो गलत नहीं होती, कानून के तहत, कानून के दायरे में रहकर पुलिस वाले काम करते हैं, उनका सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी देने का मकसद सीधा सा था कि ऐसी घटनाएं होना आम बात सी हो गई है, इन पर रोकथाम कैसे लगेगी, ये आपको और हमको सोचना होगा। नई वीडियो, नई कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।